Boy. मैं यहाँ से भाग जाती, उसके बाद मैं कभी उसके हाथ में नहीं आती।
मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसके बाद टे वहाँ से भाग जाती है। उसके कुछ देर बाद जंकू घर वापस आता है तो वो देखता है कि घर में तो टे होती ही नहीं, इसलिए वो पूरे घर में ढूंढता है मगर पूरे घर में ही टे नहीं होती है। ओह, तो इसने फिर से एक बेवकूफी की यहाँ से भागकर। मैंने इसे कितना मना किया था कि यहाँ से मत भागना, यहाँ से भागना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी वो भाग गई। देखता हूँ, मैंने तुमसे कहा था कि उसे तुम्हें नहीं भागने देना है, लेकिन तुम्हारे होते हुए भाग गई। इम्पॉसिबल है, इतने सालों से मैंने तुम्हें पाला, पाल पोसकर बड़ा किया, उसका ये नतीजा तुमने दिखाया मुझे। एक काम भी तुमसे ढंग से नहीं होता, लड़की को नहीं रोक पाए। एक मिनट, तुम तो कभी अपने काम में गलती नहीं करते और न ही मेरी बातों को टालते हो, तो वो कैसे भाग गई? इसका मतलब ये तो नहीं कि तुमने जानबूझकर उसे जाने दिया? बोलो, कुछ बोलते क्यों नहीं? ओह, तो इसका मतलब मेरा शक सही था, तुमने उसे जानबूझकर जाने दिया। तुम्हें उस पर बड़ी दया आती है ना? तुमने उसे मुझसे बचाने के लिए यहाँ से जाने दिया। तुम तो बहुत अच्छे हो, मैंने सुना था कि एनिमल्स वो पदार होते हैं, मगर ऐसा लगता नहीं है। तुम तो गद्दार निकले, और गद्दारों को मैं कैसे सजा देता हूँ तुम्हें तो पता ही होगा, तो तुम्हें भी वही सजा मिलने वाली है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे यहाँ से जाने देने की? तुम्हें पता है मैंने उसे कितनी मुश्किल से पढ़ा था? कोई बात नहीं, तुमने उसे तो जाने दिया, लेकिन अब तुम्हें कौन बचाएगा? मैं ब्राइट नहीं हूँ,
हाँ मैं उसका जुड़वा भाई हूँ, इसलिए मेरी शक्ल उसकी जैसी है, इसीलिए शायद आपको गलतफहमी हो गई होगी। आपकी भी गलती नहीं है, एक्चुअली मेरा नाम जैक्सन है और मैं उसका जुड़वा भाई हूँ। मेरा भाई ब्राइट सियोल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और किसी ने उसकी बेरहमी से जान ले ली। पता नहीं वो कौन है, किसने मेरे भाई को इतनी बेरहमी से मार दिया, जबकि मेरे भाई की तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ और उसके जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपको किसी पर शक है, बिकॉज शायद आप मेरे भाई को जानती हैं। एक्चुअली मैंने इसलिए तुम्हें ब्राइट कहा बिकॉज मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ती हूँ और मैंने कई बार उसे देखा है, बस इसलिए मैंने पूछा। और कोई बात नहीं है, और मैं उसे इतनी गहराई से भी नहीं जानती, वो बस मेरे कॉलेज में पढ़ता था इसलिए मैं उसे पहचानती थी। और कोई बात नहीं है, मुझे नहीं पता कि उसे किसने मारा, मैं भी शॉक हूँ कि उसे किसने मारा। आई एम सॉरी मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, सच में मुझे नहीं पता, अगर पता होता तो मैं बता देती। इट्स ओके, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो बस उस कॉलेज में पढ़ती थी ना। खैर आपको लिफ्ट चाहिए ना, कोई बात नहीं मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, बैठ जाइए। थैंक यू सो मच, वेलकम, बैठ जाइए। चलिए क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ, आप इतने घने जंगल में कर क्या रही हैं? आई मीन टू से आप शायद सियोल में रहती हैं, बिकॉज आप सियोल में पढ़ती हैं, तो फिर आप इतने घने जंगल में इतनी दूर यहाँ पर क्या कर रही हैं? एक्चुअली मैं सियोल में नहीं रहती ना, मैं कोरिया में रहती हूँ। बस मैं कोरिया ही जा रही थी तो रास्ते में मेरी टैक्सी खराब हो गई और वो टैक्सी चली गई। मुझे लगा था कि मुझे टैक्सी दूसरी मिल जाएगी, बट यहाँ पर मुझे एक भी टैक्सी नहीं मिली और यहाँ पर मैं फंस गई। मैं बहुत देर से ट्राई कर रही थी टैक्सी ढूंढने की, बट मुझे एक भी टैक्सी नहीं मिली थी और तभी आप आ गए। मुझे लगा कि आप भी मेरी हेल्प नहीं करोगे, बट थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प की। अरे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं बस सियोल ही जा रहा था और आप मिल गए तो मैंने सोचा आपको भी छोड़ देता हूँ। और वैसे भी इतनी खूबसूरत और अकेली लड़की को कोई जंगल कैसे छोड़ सकता है? मैं तो इतनी खूबसूरत लड़की को जंगल में नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैंने आपकी हेल्प की। थैंक यू सो मच। वैसे आप बहुत हाफ रही थी, क्या आप भाग रही थी क्या? हाँ वो मुझे लगा कि इस जंगल में जंगली जानवर भी हो सकते हैं, इसलिए मुझे डर लग रहा था और इसलिए मैं भाग रही थी और भागते भागते थक गई। ओ ऐसी बात है, तो आपको प्यास लग गई होगी ना? हाँ लगी है थोड़ी थोड़ी, तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। देखिए मेरी कार में बोतल भी है, उसमें पानी भी, पी लीजिए आप। हाँ थैंक यू सो मच। उसके बाद तो वो बोतल लेती है और पानी पीने लगती है। मुझे पानी पीकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसका कितना अजीब टेस्ट है, ये कैसा पानी है? नहीं तो पानी तो बहुत अच्छा है, शायद तुम बहुत थक गई हो ना इसलिए ऐसा लग रहा है। एक काम करो तुम रेस्ट कर लो, जब तक हम सियोल नहीं पहुंच जाते हैं तुम सो जाओ, मैं तुम्हें जगा दूंगा। मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? सो जाओ, तुम्हारे लिए सोना ही अच्छा होगा। आखिर ते इतनी जल्दी जा कहाँ सकती है? ये लड़की मुझे गुस्सा दिलाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती है। ये नो व्हाट, तुम मुझसे जितना भाग रही हो ना, मुझे उतना ही गुस्सा आ रहा है, मेरा गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा है। अगर तुम मुझे मिली ना तो पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूं, इससे अच्छा कि तुम मुझे पहले ही मिल जाओ। मैं तुम पर ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहता, लेकिन इतनी दूर वो कैसे जा सकती है? आखिर कहीं ना कहीं तो मिलती ही, मैं जंगल से बाहर आ गया, रोड पर आ गया और यहाँ पर भी नहीं दिख रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई टैक्सी वैक्सी मिल गई हो और वो सियोल की तरफ चली गई हो? ओह नो, अगर ऐसा हुआ होगा तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, वो जाकर सब कुछ पुलिस को बता देगी, उसके बाद मैं कभी टैक्सी नहीं मिल पाऊंगा, मैं टैक्सी हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाऊंगा। नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और आई प्रॉमिस मैं तुम्हें अब हर्ट भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा, बस तुम मुझे एक बार मिल जाओ। आई लव यू टे, आई लव यू सो मच, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता। तुम्हें लगता है कि ये सब मेरा पागलपन है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मगर ये सब तुम्हारी गलतफहमी है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इतना शायद तुम्हें दुनिया में कोई ना कर सके। ओ मैडम मैंने आपको बहुत टाइम दिया है, इतना तो मैं किसी को भी नहीं देता जितना मैंने आपको दिया है, अब या तो किराया दो या तो इस घर से निकल जाओ। आई नो कि आपने मुझे बहुत टाइम दिया, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, उसके बाद मैं आपके सारे पैसे आपको दे दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे ऐसे घर से बाहर मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? वो आपकी प्रॉब्लम है मैडम, मुझे नहीं पता, बस आप मेरे घर से निकल जाइए। नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, देखिए मैं कहाँ जाऊंगी कहाँ रहूंगी, आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज आप मुझे थोड़ा सा टाइम और दीजिए, मैं आपको सारे पैसे आपको दे दूंगी, बट प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालिए। तो आप ऐसे नहीं मानोगे, मुझे आपके साथ फोर्स करना ही पड़ेगा, निकल जाओ मेरे घर से। इसकी तो मैं तो छोड़ूंगा ना, इसकी हिम्मत कैसे तुम्हें धक्का दे देगी?
पिछले 6 महीने से मेरे घर का रेंट नहीं दिया है, तो मैं इसे अपने घर में क्यों रखने दूँ? हाँ अच्छा तो बोलो कितने पैसे हुए तुम्हारे? यही कोई 20,000 के आसपास। ओह तो फिर ठीक है, ये लो 25,000, उससे ज्यादा है, और अपना मुंह बंद रखो। क्या 25,000? ठीक है लाओ। नहीं इतनी जल्दी नहीं दूंगा, पहले तुम इससे माफी मांगो, उस